तुम इतना प्यार कहाँ से लाती हो? हम पर इतना दुलार कैसे लुटाती हो? कैसे हमारे इतने नखरे उठाती हो? हमारा मनपसंद खाना बनाती हो, कभी दूध में हॉर्लिक्स मिलाती हो, और आ जाए मलाई तो भाग कर उसे छान के ले आती हो। माँ, तुम इतनी ममता कहाँ से लाती हो? माँ, नींद तो तुमको भी आती होगी ना, फिर सबसे लेट सोकर भी सबसे पहले तुम कैसे जग जाती हो? सारे घर का काम निपटाती हो। माँ, तुम भी तो ऑफिस जाती हो, सबको तैयार करके भी तुम कैसे टाइम पे तैयार हो जाती हो? सबका पसंदीदा टिफिन बनाती हो और खुद के लिए बची खुची सब्जी और दो रोटी लपेट ले जाती हो। माँ, घर में सबसे कम खाना शायद तुम ही खाती हो, फिर इतना काम करने की ऊर्जा कहाँ से लाती हो? सच बताओ ना माँ, क्या कोई जादू की छड़ी घुमाती हो? टीचर बनके हमको धमकाती हो, हमारा होमवर्क भी कराती हो, खेलने की कहें तो हमारे संग बच्ची भी बन जाती हो, हमारे बिना सिर पैर की बातें सुनती ही जाती हो, हम भाई बहनों के झगड़ों को भी तो तुम ही सुलझाती हो। यूं तो माँ तुम गुस्से में कई बार हाथ भी उठा जाती हो, फिर बाद में खुद ही पछताती हो और हमें सीने से लगाती हो और हमें सीने से लगाती हो। सच बताओ माँ, तुम इतना प्यार कहाँ से लाती हो? माँ, तुम भी हमारी तरह सेल्फिश क्यों नहीं हो पाती हो? क्यों हमारे लिए अपनी कितनी ही इच्छाओं को दबाती हो? हमारे सपनों को अपनी आंखों में क्यों सजाती हो? माँ, हम भी तो तुम्हें भूलकर अपनी दुनिया बसा लेते हैं, फिर तुम क्यों नहीं हमें एक पल के लिए भी भूल पाती हो? अपने खून पसीने से सींचकर हमको तो पालती ही हो, फिर हमारे बच्चों को पालने का भी जिम्मा उठाती हो, और बदले में हमसे कभी कुछ नहीं चाहती हो। सच बताओ माँ, तुम थक नहीं जाती हो? सच बताओ माँ, तुम थक नहीं जाती हो? हम बेशरम तो तुम्हें वृद्धा आश्रम तक छोड़ आते हैं, फिर भी तुम सब कुछ चुपचाप सहती जाती हो, एक आह तक नहीं निकालती हो। यहाँ तक कि कितनी ही बार हम तेरे जनाजे तक पर नहीं आती, फिर भी मरते मरते तुम सारी दुआएं हम पर लुटा जाती हो। माँ, तुम इतनी ममता कहाँ से लाती हो? माँ, कर्मों की सजा तो ईश्वर भी देता है, फिर तुम क्यों नहीं हमारे लिए कोई बद्दुआ निकाल पाती हो? सच माँ, तभी तो तुम ईश्वर से भी ऊपर हो जाती हो, इसलिए तो माँ तुम ईश्वर नहीं माँ कहलाती हो। हाँ माँ, इसलिए तो तुम ईश्वर नहीं माँ कहलाती हो।